अभी देश को आजाद हुए लगभग 1.25 साल हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। कानूनी मुद्दा पहले से ही यह चला आ रहा था। इस बीच एक टेलीग्राम तार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को संदेश दिया गया कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है इसे रोका जाना चाहिए। मुख्य सचिव से होते हुए कमिश्नर के पास और कमिश्नर से होते हुए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश पहुंचाया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जवाब लिखकर भेजा, जो बात कही जा रही है उसका अगर पालन किया गया तो पूरे प्रदेश भर में खून खराबा हो सकता है। यह बात पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भी नागवार गुजरी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नाराज हो गए। इसके बाद इस घटना पर नजर रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्देशित किया। सरदार पटेल का एक संदेश फिर से आया गोविंद वल्लभ पंत के लिए कि जो कहा गया है उसका पालन किया जाए। एक बार फिर से पूरा का पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाया गया। मुख्य सचिव ने फटकार भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लगाई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी बात पर अड़े रहे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक उपचुनाव हुआ, वो उपचुनाव श्रीराम के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और वो चुनाव जीत भी गई। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ एक प्रसंग लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। पूरा मामला क्या था यह मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले आग्रह जरूर करूंगा, खबर को लाइक जरूर कीजिएगा, खबर पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बात 1948 की है। देश में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का ही शासन था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट धड़ा कांग्रेस से कुछ असहमति रखता था, इसलिए वहां के 13 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव भी उन्हीं में से एक थे जो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव फैजाबाद के विधायक थे। फैजाबाद वो स्थान था जहां बाबरी मस्जिद और श्रीराम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था। राजनीति भी इस मुद्दे पर हावी हो रही थी और यह मसला पहले से ही कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ था। अब उपचुनाव हो रहे थे और उपचुनाव में श्रीराम मंदिर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने आया। यह संभवतः पहला मौका था जब राम के नाम पर वोट मांगे गए और वोट मांगने वाली पार्टी कांग्रेस थी। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनावी मैदान में थे और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी थे राघव दास। राघव दास जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो और उनके समर्थक एक ही बात कहते थे, कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा एक ही बात कहती थी कि राम जन्मभूमि पर राम के विरोधियों से इस क्षेत्र को मुक्त कराना है। यानी जो शब्दावली, जो भाषा शैली आज बीजेपी और संघ की है, उसी शब्दावली, उसी भाषा, उसी लहजे का इस्तेमाल 1948 के एक उपचुनाव में किया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि राघव दास लगभग 1300 वोटों से चुनाव जीत गए। आचार्य नरेंद्र देव को उन्होंने चुनावी मैदान में हरा दिया। इसके बाद फैजाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो हिंदू संगठन थे, जो हिंदू विचारधारा के लोग थे, वो हावी होने लगे। एक साल और बीता, तब तक माहौल पूरा का पूरा उस क्षेत्र में
राममय होता हुआ नजर आ रहा था। बाबरी मस्जिद के पास के एक क्षेत्र में साफ सफाई कर वहां पर रामायण पाठ शुरू हो चुका था। इस बात की सूचना फैजाबाद से होते हुए लखनऊ और लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक भी पहुंची, लेकिन कोई बड़ा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इस बीच दिसंबर के आखिर में 22-23 दिसंबर की रात को अचानक से 3 मूर्तियों को रख दिया गया बाबरी मस्जिद के परिसर के भीतर, जहां पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। संदेश यह फैलाया गया कि श्री राम अचानक से प्रकट हो गए हैं। उसके बाद पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई और कई जगह कई तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। देश में उस समय मीडिया का इस तरीके से बोलबाला नहीं था। बीबीसी एक रेडियो हुआ करता था जिस पर खबरें प्रसारित होती थी। बीबीसी ने इस खबर को प्रसारित किया। इसके बाद जो दिल्ली थी उसके कानों तक बात गई और वहां से एक संदेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के लिए आया। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत की सरकार हरकत में आई और मुख्य सचिव कमिश्नर फैजाबाद के जरिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तलब किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से घटना की पूरी जानकारी ली गई और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हिदायत दी गई, निर्देश दिया गया कि वो यहां से राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को हटवा दे। लेकिन डीएम ने इस पर एक्शन लेने से साफ मना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का तर्क था कि अगर ऐसा किया गया तो पूरे क्षेत्र में खून खराबा हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश मुख्यमंत्री को आया, मुख्यमंत्री के बाद मुख्य सचिव से होते हुए जो संदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचा, उसकी अवहेलना खुले रूप में तब के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैजाबाद के नायर कर चुके थे। यह संदेश वापस लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बेहद नाराज हुए। उन्होंने इस पूरे मामले को देखने के लिए गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी। पटेल साहब का संदेशा एक बार फिर से पंत साहब तक पहुंचा और पंत जी ने एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने मूर्तियां हटाने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद अपने पद से, अपनी सर्विस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मूर्तियां नहीं हटाई गई। इस बीच यह पूरा का पूरा मामला कोर्ट कचहरी में भी चल रहा था। कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ही कानूनी कार्रवाई करते हुए एक रिसीवर को बैठा दिया और वो रिसीवर वहां पर पूजा पाठ, पूजा पद्धति और जो भी कार्यक्रम चल रहे थे उसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद से यह पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चला आ रहा है और 80 का दशक समाप्त होते होते इस मामले ने किस तरीके की राजनीति की है वो हम सबके सामने है। उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को पकड़ा उसका असर हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब रामचंद्र जी की मूर्ति का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में इस प्रसंग को आपके सामने लाने का मेरा एक विशेष इरादा नहीं था, जानकारी बस इतनी देनी थी कि राम के नाम पर वोट कांग्रेस ने भी मांगे हैं और प्रधानमंत्री के आदेश की, अपने मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करने वाले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी याद करना चाहिए जिन्होंने वहां की परिस्थिति के हिसाब से राम की मूर्तियों को नहीं हटाया। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।